नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर के लीडरशिप कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो लीडरशिप में एक तरफा अपना आधिपत्य रखती है। और पिछले कुछ समय से इसका स्टॉक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो आखिर आने वाले समय में ये किस तरह और कह लीजिए कहाँ भागेगा, क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा या वापस से गिरावट नीचे होगी? क्योंकि देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस है जो अक्सर स्टॉक को नीचे की तरफ धकेल देता है, और नीचे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है दोस्तों, और इसीलिए एक जिगजैग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक चल रहा है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसा क्या चीज है जो स्टॉक को ट्रिगर कर रहा है ऊपर की तरफ जाने में, और ऐसी क्या चीज है कि यहां से गिरावट कोई बहुत बड़ी बिल्कुल भी होते हुए नहीं दिखाई देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दोस्तों, एचयूएल, एफएमसीजी सेक्टर का की दिग्गज कंपनी है दोस्तों ये, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं एचयूएल के ऊपर, तो आज आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 1.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए जो मैं जिगजैग पैटर्न बोल रहा हूँ ना, पिछले 1 महीने का आप चाल देखें तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये सीधा एक बड़ा जंप। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए एक परफेक्ट सिनेरियो आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में आपको ये स्टॉक, ये देखिए ये आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं जहाँ ये रेजिस्टेंस, ये देखिए सिर्फ एक बॉक्स में ही आपको जाते दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दोस्तों निचले स्तरों पे आप देखेंगे तो क्या है 2,2400 रुपये हैं। ये 5 जुलाई की तस्वीर, और आप देखें कि ये रहा 2,627। तो इतने में ही दोस्तों पिछले 200 रुपये में ही 2,250 रुपये में ही ये ऊपर नीचे स्टॉक कर रहा है दोस्तों, और जैसे ये 2,600 हो गया वहां से वापस एक गिरावट आपको 2,620 में आने में दिखाई देगी, यानी कि वापस से उसी आप कह सकते हैं बॉक्स की तरफ ये स्टॉक आ गया है। तो आखिर इस स्टॉक में दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एक सर्टेन कह लीजिए एक बॉक्स में ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे की ओर आ रहा है? तो देखिए मुझे लगता है ये स्टॉक अब अपना बेस बना रहा है, बहुत ही अच्छा समय ले रहा है एक रेंज के ऊपर। ये बहुत अच्छा समय होता है किसी स्टॉक में दोस्तों, किसके लिए? जो ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उन निवेशकों के लिए। 100-200 रुपए आराम से आपको ये स्टॉक दे सकता है, आप आराम से 2-3 दिन के अंदर आप कम से कम 5-7% का रिटर्न लेके आराम से निकल सकते हैं अगर पोजिशनल ट्रेडर है। और वहीं ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि स्टॉक गिरे एक्यूमुलेट करें, नीचे गिरे एक्यूमुलेट करें और लॉन्ग टर्म का इंतजार करें, जहां पे स्टॉक आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न देगा दोस्तों, ठीक है। और एचयूएल को आप देखेंगे ना तो देखिए अभी इसके पास जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है वो आप देखिए जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जैसे ही गिरा है दोस्तों वापस से इन कंपनीज के मार्जिन अच्छे होने की बातें शुरू हो गई हैं, और एचयूएल ने जिस तरह एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन अपनी शानदार तेजी से रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है ये स्टॉक नीचे गिर नहीं पा रहा है। लेकिन एक्चुअल की प्रॉब्लम अभी ये है दोस्तों कि ये स्टॉक कितनी मेहनत करेगा, 2,800 जो लेवल है ना दोस्तों, यानी यहां से आप मान के चलिए लगभग 7-8-10% के बीच, उससे ज्यादा ये स्टॉक मुझे कहीं जाता हुआ अभी नहीं दिखता। ऊपरी स्तरों में 2,800 और निचले स्तरों में दोस्तों बहुत ज्यादा अगर टूटता है तो 2,300 से लेकर के 2,350, ये निचले स्तरों में टूटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अगर गिरावट हो 2,300-2,400 के आसपास मिले, ये स्टॉक हर स्तरों पे बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। और एक्चुअल देखिए जिसका सबसे अच्छा समय था जब इसमें गिरावट हुई थी 2,200, 2,000 के आसपास, 2,100 के आसपास, एक परफेक्ट सिनेरियो था स्टॉक में निवेश करने का दोस्तों, ठीक है। और करेंटली एक्चुअल देखिए आने वाला समय, देखिए अभी फेस्टिव सीजन भी गया है, इसलिए आने वाले समय में जो नंबर्स है एक्चुअल के वो थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो अभी समय है ना, ये जो दिसंबर क्वार्टर आने वाला है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्लो डाउन का इफेक्ट है ये किस तरह रहा है। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है अभी वो रूरल इकोनॉमी है, रूरल में डिमांड न के बराबर है दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ रिपोर्ट में सेंटिमेंट ये आया है कि रूरल की जो डिमांड है शायद थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा होता है और ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों एचयूएल के, आप देखेंगे एक
नई तेजी, एक री रेटिंग का हकदार आपको एचयूएल साफ साफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी देखिए, अगर गिरावट होती भी है ना पूरे एफएमसी सेक्टर में, तो एचयूएल में सबसे कम गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये एचयूएल में हमेशा कहता हूँ दोस्तों, एक डिफेंसिव स्टॉक की तरह लीजिए। कोई भी बड़ी गिरावट होती है एचयूएल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होता है। आप देखिए, इसने जो सबसे अच्छा मौका दिया था खरीदारी का, जब ये देखिए आप 1950 यहाँ पे आया था एक, फिर वापस जाके फिर एम बनाया, फिर 1950, और वहां से जो इसने तेजी दिखाई दोस्तों, एक समय में आप देखिए तो लगभग ये 37% से ज्यादा की गिरावट दिखाया है। और देखिए, जैसे इसने पहले एक इसमें बॉक्स बनाया था, आप देखिए ये गिरा था यहाँ पे, और जैसे ही इस बॉक्स से इसने तेजी दिखाई थी, ये एक बड़ी तेजी दिखाते हुए चला गया, और अब वापस ये एक बॉक्स बना रहा है। देखना ये होगा जब ये इनसे ऊपर जाते हैं दोस्तों 2600-2700 से, तो एक नई रीरेटिंग आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन करेंटली जो नेगेटिविटी थी ऑलरेडी प्राइसिंग थी दोस्तों, अभी स्टॉक एक तेजी के पहले एक बड़ा बेस बना रहा है। अगर बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती दोस्तों, और स्टॉक आपको किसी बहाने 2300-2200 के आसपास मिलता है, तो वो एक बहुत ही शानदार लेवल होगा दोस्तों खरीदारी का, फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। और मैं अक्सर कहता हूँ एचयूएल को कभी भी किसी भी हाल में हमें नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी दोस्तों जो अक्सर आपको एक शानदार रिटर्न देगी इन द लॉन्गर टर्म, ठीक है। और आप इसमें आराम से पोजिशन ट्रेड भी ले सकते हो हर गिरावट में, क्योंकि दिस इज एचयूएल दोस्तों। आप कह लीजिए इसके जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसके लगभग 70-80% के इनके प्रोडक्ट्स में, तो ये मार्केट लीडरशिप पोजीशन के लिए जी एंजॉय करती है। और इसीलिए मेरा आपका कहना है कि एचयूएल उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है जो डिफेंसिव प्ले करते हैं, उनके लिए नहीं जो एकदम पैसे कह सकते हैं हम डबल करना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं जिनको अपना कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा रखना है, बल्कि ये उनके लिए है जो आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव प्ले रखते हैं, जहाँ पे वो रिस्क कम लेकर के रिवॉर्ड भी कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 10-12% का उनको आराम से चाहिए। तो ये स्टॉक उनके लिए सेफेस्ट स्टॉक है, सबसे शानदार स्टॉक है, 1-1.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है, तो आप एक काफी अच्छी चीजें एंजॉय कर सकते हैं स्टॉक में, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ प्रेटी गुड स्टॉक। किसी भी कारणवश अगर गिरावट होती है, तो वो मात्र एक खरीदारी का मौका होगी दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।